गाइस, हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ओके गाइस, आज फिर से आ चुका हूं एक न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ। तो ओके गाइस, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा लाल किले का, जो कि पार्ट वन था, एंड आज सेकंड पार्ट में आपको हम म्यूजियम का टूर देंगे एंड फुल टूर देंगे म्यूजियम का। और गाइस, वीडियो पर बने रहना प्लीज़। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसने मेरे लाल किले का ब्लॉग नहीं देखा हो प्लीज़ चैनल पर जाके लाल किले का ब्लॉग देखे। तो लेट्स गो प्ले वीडियो। यहाँ पे बना रखी है रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग, इंडिया 1857, पता नहीं इसका मतलब क्या है, और काफ़ी मस्त पेंटिंग बना रखी है पहले की, देख सकते हो आप। जाते हैं डाक विभाग में, ये देख लो गांधी जी का चरखा पहले जा, और गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है, और ये गांधी जी की यहाँ पे मूर्ति बना रखी छोटी सी, पहले जो डाक डालने वाला होता था वो इस तरीके का होता था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये पहले ज़माने की कुछ प्रधानमंत्री एंड लेखक वगैरह जो भी थे उनकी यहाँ पे तस्वीर लगा रखी है। भारत छोड़ो, ये देखो भारत छोड़ो 1942, क्विट इंडिया, सरदार अजीत सिंह, और ये कौन है पास से देखना पड़े, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब यहाँ पे काफ़ी पुरानी तस्वीरें लगा रखी हैं जो कि आप देख सकते हो। जो पुराने ज़माने के चित्रकार थे उन्होंने ये सब पेंटिंग बनाई है, देख सकते हो आप। ये अपना ताजमहल है जो कि बहुत खूबसूरत है, और ये भारत इंडिया 500 रुपये ने, पुराने ज़माने की पेंटिंग देख सकते हो कितनी बढ़िया बढ़िया बना रखी है। देखो स्पेस की पुराने ज़माने की पेंटिंग, एंड ये देख लो सैटेलाइट, और ये देखो काफ़ी सारी रानी मछली वेल वगैरह है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम, इसको बोलते हैं वायु डाक सेवा, और ये आगे देखते हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग डाक घर। यहाँ पे 1296 से लेके 2020 तक के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री लिख रखी है छोटी मोटी, आप पढ़ सकते हो। देख लो पहले पोस्ट ऑफिस वाला किस तरीके से देते थे, मतलब ये तो मेरे को अभी थोड़ा पुराना लग रहा है, ज़्यादा पुराना नहीं है, टाइम का नहीं है ये वाला। और कुछ ये देख सकते हो यहाँ पे तस्वीर लगा रखी है, एंड इधर भी लगा रखी है, और आगे चलते हैं। भाई अभी डाक विभाग तो घूम आए हैं, अब जा रहे हैं सीधा म्यूजियम, कि मैं बता रहा था ना अंग्रेज के जवानों की बनाई हुई है, तो ये वही है, इसी में लाइव में म्यूजियम बना रखा है। ये पता था ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो म्यूजियम में आपका स्वागत है। 13 अप्रैल 1919 की यहाँ पे ये देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट पे दिखाया जा रहा है द इंडियन प्रेसिडेंट, ये देख सकते हो लाल किले के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। इधर देखो पत्थरों पे नाम लिखे हैं, उन लोगों का नाम लिखा है जो जलियांवाला कांड हुआ था जिनमें लोग मरे थे उनके बारे में, उनका नाम लिख रखा है यहाँ पे पत्थरों पे। और ये है आज के टाइम में यहाँ पे इसीलिए लगा दिए गए हैं जिससे ठंडा हो रहा है। ये देखो भाई अप्रैल 11, 2015 पीएम नरेंद्र मोदी, युद्ध में भारत का योगदान इंडिया, ये देख सकते हो उसमें बता रहा है युद्ध में भारत का योगदान, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ये देख लो वर्ल्ड मैप,
यहाँ पे जगह जगह पे ये लगा रखे हैं प्रोजेक्टर, जिससे हमें समझाया जा रहा है इफ आई डाई हेयर हु विल वी रिमेंबर मी क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब तो मेरे को नहीं पता है, तो आप समझ जाना। ये कुछ तस्वीर दिखा रखी है और लिख के यहाँ पे जो वहाँ इंग्लिश में लिखा था यहाँ पे इंग्लिश मिलेगा। अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मुझे कोई याद रखेगा क्वेश्चन मार्क? यस बिल्कुल रखेंगे। यह है गैलरी नंबर टू। तो ये अपना इंडिया का मैप है और इसके साइड में कुछ ये लिखा है, जो कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी है नाम अपना। तो भाई लिख तो कुछ अच्छा रखा है और सही है जो भी है। और आगे चलते हैं, क्रांतिकारी पंजाब, इसके बारे में कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो, पहले ज़माने की कुछ पेंटिंग बनाई है लाल किले की, ये देख सकते हो। उर्दू में लिखी है, समझ नहीं आ रही थोड़ी बहुत क्या, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। उर्दू में लिखी है यहाँ पे कुछ आर्टिकल वगैरह चिपका रखे हैं, देख सकते हो न्यूज़पेपर से काट काट के। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, नो दिल्ली नो वकील नो अपील। और यहाँ पे लिखा है द ब्लैक एक्ट, इसके बारे में लिखा है यहाँ पे। मतलब इसमें ये सब लिखा है कि पहले किसी को गिरफ्तार किया था बिना वारंट वो ने, तो अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब किसी को अरेस्ट किया गया होगा उसके बारे में लिखा है, ना अपील नो अपील, काला कानून ब्लैक एक्ट, इन सब के बारे में लिखा है यहाँ पे। तो कुछ मैंने यहाँ देखा, लाल बाल पाल, इनके बारे में कुछ लिखा है, बीस सदी। यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा है, अपराध और दंड द ट्रेल। इंग्लिश में मेरे को पहले पता चला है कि द ट्रेल बोलते हैं अपराध और दंड को। तो देख सकते हो ये थे जिनको अपराध और दंड दिया गया था। और यहाँ पे लिखा है कुछ, मैं दया की भी क्यों मांगूं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे जितने भी जन्म हो उन सबको मैं इसी तरह देश के लिए कुर्बान कर दूँ। वाह भाई क्या बात लिखी है। 1914 में युद्ध का ललकार, देश में संगठित विरोधियों के अंजाम देने के लिए हजारों गदर क्रांतिकारियों भारत लौटे। तो इस चीज़ के बारे में लिख रखा है, पढ़ सकते हो आप। मतलब अगर आपको पुराने ज़माने का इतिहास चाहिए तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखी है जो आप पढ़ सकते हो, बट मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी और काफ़ी चीज़ें समझी जो कि मैंने वीडियो में भी दिखाई है आपको। तो आप यहाँ पे, आपको अगर पुराना इतिहास जानना हो यहाँ पे आओ और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी आप पढ़ सकते हो। मतलब अभी मैं एक म्यूज़ियम में घूमने आया हूँ और उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखी थी जो कि मैंने आपको दिखाया है। और अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड म्यूज़ियम में जो ये सामने है मेरे, और इसमें जो होगा बढ़िया बढ़िया मैं आपको दिखाऊंगा और आप भी देखना। और गाइस सेकंड म्यूज़ियम में आपका स्वागत है। और सेकंड म्यूज़ियम में हम जैसे कि आ चुके हैं, देख सकते हो अब हम अंदर जा रहे हैं। ये पुरानी आर्ट है और इसमें पुरानी राजा महाराजा की आर्ट वगैरह दिखा रखी है। और ये अपना इंडिया का जो पुराना, बहुत पुराना मैप था, ये पूरा इंडिया था पहले अपना, अब बहुत से टुकड़ों में बढ़ चुका है। ये देख लो, ये साजा महाराज, शायद उन्हीं की होगी, नाम देख लेते हैं। ये है नाना साहेब और ये है बहादुर साहब जफर, जो देख सकते हो आप पुरानी आर्ट है इनकी, काफ़ी मस्त लग रही है। और आगे भी है, आगे भी दिखाते हैं, भारत का स्वतंत्र का प्रथम, इनका नाम है संगम हिजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई, अरे और इनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। और इधर दिखा देते हैं आपको, इधर कुछ इस तरीके के आर्ट बना रखे हैं, ये इस म्यूजियम का है।
और इधर चलते हैं, इधर का देख सकते हो। व्यापार के अधिकार के लिए याचना देख लो गाइस, इसके बारे में डिटेल लिखे हैं यहाँ पे। विस्तार का परिरोध इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। और आगे दिखा देते हैं आगे क्या क्या है। और ये देख लो, ये किस चीज़ की सींग है ये नहीं पता, बट ये देखो आप पुराने ज़माने की ये तीर धनुष, और ये लिखावट है, और पुराने ज़माने की तलवार देखो आप, पुराने ज़माने की तलवार, काफ़ी बड़ी बड़ी तलवार थी, काफ़ी सारे हैं ये तीर तो पुराने ज़माने की बहुत सारी है। धनुष देखो पहले कैसे होया करता था धनुष, और ये पता नहीं किस चीज़ की सीन है, बट ये देख सकते हो लिखावट है पुराने ज़माने की, है उर्दू लिखावट है। ये शोषण और दमन के बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। और आगे भी देखते हैं क्या है, आगे प्रोजेक्टर में वीडियो के थ्रू समझाया जा रहा है कुछ। तो ये लिखा है राज्य हपड़ने की नीत, पढ़ सकते हो इसके बारे में। और आगे देखते हैं योजना, किस चीज़ की योजना है, भारत के सभी क्षेत्रों में संगठित रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। ये पहले के कुछ राजा हुए करते थे जिनने लड़ाई की है। तो संदेश मतलब गुप्त संदेश वगैरह के बारे में है। इधर है गुप्त खत, और इधर है पुराने ज़माने की तलवारें। एंड जस्ट आगे चलते हैं, अभी इधर देखते हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, सब कुछ दिखाना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ब्लॉग देखना। तो देखो गाइस, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, ओ भाई पहले ज़माने की गन, वहाँ पर फोटो खिंचवाना, पहले ज़माने की गन हो जाती है। अरे ये देखो पहले ज़माने की क्या राइफल थी, शॉट गन। हेलो, भाई मतलब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्री है जो संभाल के रख रखी है। देख लो ये वो गन है जो हेरा फेरी में देखी थी ना आपने, जो बाबूलाल ने पानी में फेंक दी थी, वही वाली गन है, ये वाली खासकर ये वाली गन है वो। अरे वो देखो कुल्हाड़ी, पहले ज़माने की कुल्हाड़ी। ये देख लो यहाँ पे भी हेरा फेरी वाली गन रख रखी है, और ये हथियार है पहले ज़माने के जो इस तरीके हाथ से पकड़ के मार देते थे। अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना यहाँ पे बता नहीं सकते, अभी ऊपर चलते हैं भाई, कुछ दिखाने का होगा तो दिखाएंगे, अभी ऊपर चलते हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं ऊपर। देख तो भाई वैसे ही थक चुका हूँ, और ऊपर चढ़ चढ़ के और ज़्यादा थक जाऊँगा। ये अंग्रेज़ों को दोबारा बनाया गया था ये पूरा म्यूजियम, और इधर भी देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जो पुराने इतिहास है, और इन म्यूजियम में सब कुछ दिखाया गया, सब कुछ ए टू जेड आप यहाँ के आगे पढ़ सकते हो, राजा से महाराजा के टाइम तक का, और जो युद्ध हुए थे उनके बारे में भी, जलियांवाला बाग जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब लड़ाई जो भी हुए थे सब कुछ लिखा है, मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, मतलब इस म्यूजियम में भी काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है। ऊपर आके यहाँ भी पढ़ सकते हो आप, देख सकते हो ये भी काफ़ी बड़ा म्यूजियम है। और आगे चल के देखते हैं सामने वाले म्यूजियम में, युद्ध की प्रमुख स्थान मतलब शिकार अलवर तो पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ है, कोठा इधर होगा कुछ ना कुछ दिखाने का। तो और इधर पहले इधर देख के आते हैं क्या है, इधर भी कुछ बता रखा है, देख सकते हो अंदर क्या है, अंदर भी देख लेते हैं।
अंदर भी इतिहास के बारे में बता रखा है। तो हमारे प्यारे से हरियाणा के बारे में कुछ बताया गया है। वार इन हरियाणा 10 मई के सुबह यहाँ पे कुछ बताया गया है। और ये अपने हरियाणा के राजा महाराजा थे और ये हरियाणा का मैप है। इनका नाम है राव तुला राम ऑफ रेवाड़ी, मतलब रेवाड़ी के राजा थे ये हरियाणा। तो दो तलवार इधर रखी है, ये देखो ये तलवार का कवर है, ये तलवार है। ये है तोप के गोले जिनसे पहले लोगों को राजा जो सैनिक होते थे दूसरे महल के उनसे मारा जाता था। ये कश्मीरों के द्वारा मिले गए थे तोप के गोले जो कि मेरे को उन्होंने बताया था। आगे देखते हैं। ओ भाई राजा के वस्त्र, राजा की ड्रेस। बादशाह जफर के वस्त्र। बेगम के वस्त्र, ये बादशाह और ये बेगम। भाई यार पहले जमाने के भी कपड़े रख रखे हैं। वाह इतिहास तो इतिहास होता है, ये वाला इतिहास। ये कुतुब मीनार, सब कुछ घूम लिया और सब कुछ देख लिया। ना चलने की हिम्मत है ना बोलने की हिम्मत है। सोचा तो था आज दो तीन लोकेशन कवर करेंगे, बट क्या करे लाल किले इतना लंबा है, किसी में हालत ख़राब हो गई। और अभी बाहर निकलते हैं और कुछ रह रहा होगा तो वो भी दिखाते हैं, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो भाई इसके लिए सॉरी, बट आपको दिखाना भी ज़रूरी है सब कुछ। तो अब एग्जिट करते हैं बाहर। KTM भाई इधर क्या कर रही है तू पुराने ज़माने के किले में क्या कर रही है। तो ओके गाइस, म्यूजियम का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और चैनल पे गाइस न्यू तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ओके गाइस, आपको मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।